नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का एक दिवसीय गौंडा दौरा। स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। सुरेश शुक्ला घर मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल थे। शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन मामले में सरकार जल्द से जल्द जांच पूरी करे। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब न्याय नहीं मिलता है तो धरना और प्रदर्शन लोकतंत्र में करना पड़ता है। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से फेल है। बजरंग दल पर रोक और हनुमान चालीसा हो रहा है। जिस चीज की आस्था है। देखिए, हम लोग खुद करते हैं पूजा। हम लोग बजरंग बली का नाम लेकर गणेश की पूजा करने निकलते हैं। हनुमान चालीसा लेकर कुछ लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। चीजें रुकनी चाहिए। मनोरंजन की चीजें मनोरंजन तक अच्छी लगती है। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शरद मार्ग से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम और थाना महाराजपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वही प्रेस वार्ता करते हुए कानपुर के डीसीपी क्राइम शिवाजी ने बताया कि हमारी टीम ने 9 मई को 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी में एक का नाम अमन गिल उर्फ मनजीत सिंह उर्फ गोलू निवासी लाल बंगला कानपुर और दूसरा हरप्रीत सिंह उर्फ राहुल गिल निवासी जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। इनके पास से 63 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा सहित एक ट्रक और 3 मोबाइल सहित उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ चल रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जेल भी जल रहा है। हरदोई के बछौरा कोतवाली इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया में किराना दुकान से लगी भीषण आग ने 4 दुकानों को जलाकर राख कर दिया। आग से 10 बाइक भी जलकर राख हो गई है। आगजनी की इस घटना में लगभग 15 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। संडिला के इंडस्ट्रियल एरिया UPSICD के फेज 2 को, जो कि थाना कछौरा क्षेत्र में पड़ता है, ग्रीन पाइप फैक्ट्री के ठीक सामने कछौरा थाना क्षेत्र में रेसल गांव के रहने वाले राम सागर मौर्य किराने की दुकान संचालित करते हैं, जिनकी दुकान में भीषण आग लगी। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगी है। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। एक पशु की भी जलकर मौत हो गई। वहीं एक पशु की हालत गंभीर है। मौल्यवासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित किसान ने बताया कि लगभग 75,000 का नुकसान हुआ है। थाना नूरपुर के गांव पीपला जागर के ठेरी रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी में खबर का बड़ा असर हुआ है। सपा विधायक सहित दर्जनों साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। भाजपा प्रत्याशी पति को थाने में पीटने का मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस मुख्यदर्शक बनी देखती रही। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के अमेठी संवाददाता विक्रम बतौरी ने विधायक की दबंगे की खबर को प्रमुखता से फैलाया था। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। विधायक राकेश सिंह सहित दर्जनों साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है गंभीर धाराओं में। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, जहां अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई और जमकर तांडव मचाया है। अभी तक जिले में हुई आग के कांडों में किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इन दिनों जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, वैसे वैसे गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाएं तेज हो गई है। पुलिस के द्वारा मात्र 15 घंटे में समय सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के SP बिहार सागर जैन ने बताया कि थाना नुक्कड़ पुलिस टीम द्वारा मिली की सूचना पर मात्र 15 घंटे में समय सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी रोशन पुत्र मामचंद निवासी ग्राम नीला दयालजी थाना नुक्कड़ जनपद सहारनपुर को ग्राम नीला दयालजी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हत्यारोपी अभियुक्त निशानदेही पर आलाकथनी बरामद कर लिया गया। चोरी के इल्जाम से बचने के लिए एक शख्स ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पहले गुमशुदा हुई बुजुर्ग महिला का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे में चौंका देने वाला मामला सामने आया, जिसमें आरोपी ने चोरी के इल्जाम से बचने के लिए बुजुर्ग महिला को पथरी क्षेत्र में नियम फेंक दिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी वसीम पुत्र मीर हसन निवासी पावधोई ज्वालापुर हरिद्वार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चोरी किए गए सोने के जेवर भी बरामद कर लिए गए। राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नगर निगम के टंचिंग ग्राउंड को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुणे के पहाड़ की समस्या से निजात दिलाने और लालपानी में कूड़ा निस्तारण प्लांट को चालू करने के संबंध में शहरी विकास निदेशालय और नगर निगम ऋषिकेश के अधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने बैठक में कचरा निस्तारण की समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक के दौरान कचरा निस्तारण को लेकर अधिकारियों के द्वारा की जा रही कार्रवाई का फीडबैक भी लिया। लगातार मिल रही कच्ची शराब की शिकायतों को देखते हुए आबकारी अधिकारी विभा शुक्ला मिश्रा ने टीम बनाकर छापेमारी के आदेश जारी किए थे, जिसमें आबकारी विभाग की टीम को सफलता हाथ लगी, जहाँ टीम ने दिनारपुर गाँव में छापेमारी के दौरान 2500 किलो कच्ची शराब का लहन नष्ट किया है। आबकारी अधिशासी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने जानकारी देते बताया कि हरिद्वार में लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसको देखते हुए विशेष टीम बनाकर छापेमारी कराई गई है, जिसमें थाना पथरी क्षेत्र के ग्राम नागपुर से सटे नाले पर भारी मात्रा में शराब के लहन को नष्ट किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लहन बनाने वाले अभी भी उनकी धरपकड़ से दूर है। झांसी के पुष्प थाना अंतर्गत ग्राम खिली में नेशनल हाईवे पर रोड बस
पिकअप और मैजिक एक साथ टकरा गई, जिसमें बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुंछ पुलिस द्वारा झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भिजवाया गया है। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस झांसी की ओर आ रही थी और एक मैजिक गाड़ी भी सवारियों से भरी दिल्ली के पास उरई की ओर जा रही थी। आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार यात्री और मैजिक में सवार यात्रियों में चित्तकार मच गई। बस में सवार यात्रियों को चोटें आई हैं। घटना की खबर लगते ही पुंछ पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बड़ी घटना होने से टल गई है, क्योंकि बस और मैजिक में यात्री काफी संख्या में। जिलाधिकारी ने विकासखंड चिड़गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर का निरीक्षण किया है। बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर यहां पर तहरी खाकर उनकी गुणवत्ता और स्वाद का परीक्षण भी कराया है। बच्चों का उत्साह वर्धन किया, खुद अपनी भोजन की थाली साफ करके स्वच्छता के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को योगदान दिए जाने की अपील की है। बच्चों द्वारा अंग्रेजी और गणित से संबंधित सामान्य प्रश्नों के सही उत्तर देने पर ही प्रसन्नता व्यक्त की। उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर में निर्माणाधीन एस्ट्रोनॉमी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी और पुस्तकालय के कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। प्राथमिक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के आसपास न हो गंदगी, साफ सफाई की व्यवस्था हो, जिलाधिकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास भी उपलब्ध कराकर DMF से क्रीड़ा स्थल और कबड्डी और खो खो हेतु मैट लगाए जाने के लिए भी कहा। घर से बेटी को उठाकर ले जाने की धमकी से परेशान मां ने पुलिस से शिकायत की है। मोहल्ले के हसीब खान के ऊपर ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर शादी करके बुर्का पहनाने का भी आरोप लगाया। पहले भी बहला फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप लगाया है। 3 साल पहले बेटी द्वारा इसे टक्कर मारकर घायल करने का भी आरोप लगाया। इंसाफ न मिलने पर मुख्यमंत्री के यहाँ परिवार से आदमी कहा करने की बात कही है। बांगरमऊ थाना क्षेत्र के कस्बा टोला का ये पूरा मामला। सहारनपुर में बेहद अड्डे के कोड़ियों की पुलिया पर गंदा फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आपको बता दें कि आग से एक युवक की मौत हो गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौजूद रही, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। भाजपा नेताओं ने गौरीगंज कोतवाली में DMSP के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही कोतवाली परिसर में भाजपा नेताओं और पुलिस में काफी नोकझोंक हुई। भाजपा नेताओं ने पुलिस विभाग के अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि गौरीगंज कोतवाली में लगातार भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा रहा है। भाजपा नेताओं के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मुकदमे में 307 और 511 धाराएं लगाई है। खबर गाजीपुर से, जहां रेलवे ट्रैक पर स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। RPF ने आरोपी युवक को बलिया से गिरफ्तार किया। युवक का रेलवे पटरी पर साइकिल चलाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद RPF ने युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। नगर निकाय चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गई है। सभी को जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए। सुबह से ही मतदान कर्मियों का सातनपुर आवंटन शुरू हुआ। सुबह 10 बजे तक अधिकतर मतदान कर्मी पहुंच गए थे। उन्होंने साफ कहा कि जो भी मतदान कर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं होगा, उसके खिलाफ पहले FIR दर्ज कराई जाएगी। वहीं 483 बूथ पर 535 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा रहा है। शहर कायमगंज, हिमसपुर, सहिया, नवाबगंज, कमलागंज, मोहम्मदाबाद, कमपिल और शमशाबाद में पुलिस की विशेष नजर रही। इसके लिए अतिरिक्त टीमों का भी गठन करने के निर्देश दिए गए थे। मतदान के दौरान गड़बड़ी करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को भी कड़े निर्देश जारी किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम जनमानस की अपील, पोलिंग बूथ पर मतदाता पर्ची के साथ फोटोयुक्त ID कार्ड और अति आवश्यक साथ ले जाएं, जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस विकल्प के साथ मतदान करने पहुंचे। मतदाता कृपया ध्यान दें कि मोबाइल फोन, पानी की बोतल, स्याही वाला पेन लेकर मतदान स्थल पर ना पहुंचे। चुनाव आयोग द्वारा ये प्रतिबंध किए गए थे। ऐसी तस्वीरें नजर आई। जिला प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की मतदाताओं से अपील भी की। वोटिंग से पहले कानपुर में लूट एंड शूट की बड़ी वारदात सामने आई है। फिल्म स्टाइल में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। करीब 7 लाख रुपए की लूट करने के बाद लोहा व्यापारी को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में लोहा व्यापारी संजय गौड़ को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंचे क्राइम ब्रांच को घटनास्थल से 2 खोखे मिले हैं। मौके पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है और कहा कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा हो, ऐसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चकेरी थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री वर्सेज उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए, यानी उपराज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ NCC ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। दरअसल दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक तो रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है। 2021 में केंद्र सरकार ने इसे संशोधन किया था। इसमें उपराज्यपाल को अतिरिक्त शक्ति दी गई थी। संशोधन के मुताबिक चुनी सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए LG की राय लेने अनिवार्य किया गया था। इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा जाएगा। CJI ने कहा कि तमाम रिव्यू मामले में उठाए गए सवाल को बड़ी बेंच में भेजा चाहिए, क्योंकि इसमें और स्पष्टता की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी।
इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों और बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। अब 11 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया, यानी फिलहाल अभी मामला टल गया है। महाराष्ट्र में पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे को अपनी बगावत कर दी थी, इसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई। शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाई, इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता शिंदे गुट में शामिल हो चुके थे। वहीं लंबी उठापटक के बाद शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के बीच तनातनी चलती रही। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का प्रत्येक तीर कमान सौंप दिया। धारदार हथियार से कूदकर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस लखपत युवक का शव खेत में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही परिजनों ने कोहराम मच गया। मौके पर परिजनों के साथ ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। हत्या की सूचना पर पहुंचे पुलिस मौके पर नुरा कोतवाली क्षेत्र के बरवन का पूरा मामला। हमीरपुर में 100 साल के बुजुर्ग को व्हीलचेयर पर बैठाकर मध्य स्थल तक डीएम ने पहुंचाया है। मतदान केंद्र का निरीक्षण करने आए डीएम ने 100 साल के बुजुर्ग को देखकर मुहैया व्हीलचेयर कराई थी। व्हीलचेयर में बुजुर्ग को खुद बैठाकर मध्य स्थल तक पहुंचाया गया था। समस्त मतदाताओं से डीएम ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग की अपील भी की। खबर हरिद्वार से, जहां 6 दिनों से लापता व्यक्ति की तलाश में न्याय की गुहार लेकर एसपी कार्यालय हरिद्वार पहुंची। रिश्तेदार का कहना है कि उसका पति पिछले 6 दिनों से लापता है, जिसकी गुमशुदगी संबंधित थाने में भी दर्ज करा दी गई है, लेकिन 6 दिन बीतने के बाद भी अभी तक उसके शौहर का कोई पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि आवेश नाम का व्यक्ति, जो कि पैसे से बस ड्राइवर है, सिजकुल में कंपनी में कर्मचारी को लाने जाने का काम करता था। बस के द्वारा परिजनों का आरोप है कि सलेमपुर निवासी साबिस पुत्र असलम खान नाम का युवक अपने 3 अन्य साथियों के साथ पीड़ित महिला के पति आवेश को लेकर गई थी। बाकी सब अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन उसका पति अब तक नहीं लौटा, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल उसने पुलिस को दलील दी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही शख्स को ढूंढ लिया जाएगा। हरिद्वार के इकबालपुर शुगर मिल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में 2 दिवसीय गन्ना भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन द्वारा धरनास्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी का अनुरोध पत्र सौंपने के बाद धरना समाप्त हो गया। बता दें कि तकरीबन 22 करोड़ के बकाया गन्ना भुगतान के आश्वासन मिलने के बाद हरीश रावत धरनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि करीब 1 हफ्ते के अंदर किसानों का बकाया गन्ना भुगतान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि किसानों का 150 करोड़ का बकाया चीनी मिल पर है, लेकिन यह सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए अनुरोध पत्र में बताया गया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, जिसमें चीनी मिल के अधिकारी और खुद भी शामिल होंगे। बातचीत के माध्यम से हल निकाला जाएगा, ताकि भविष्य में किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न हो। जलौन नेशनल हाईवे 27 पर शताब्दी बस पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई है, 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज रही में भर्ती कराया गया। बस अहमदाबाद से कानपुर जा रही थी। तेज रफ्तार होने के कारण बड़ा हादसा हुआ। आटा थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर हाईवे स्थित साईं मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। झांसी नगर निगम और कुछ निकायों के चुनाव के बाद BKD स्थित के कोठारी हॉल की चंद मिनट्स के लिए बत्ती क्या बोल हो गई। भाजपा मेयर प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य ऐसे लाल पीले हो गए मानो उन्हें 440 वोट का करंट लग गया हो। उन्होंने वहां मौजूदा पुलिस अधिकारी को खड़ी कोठी सुनाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत की धमकी तक दी है। नगर निकाय बुलंदशहर के अंतर्गत खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र का DM चंद्र प्रकाश सिंह और SP शिलोक कुमार सिंह ने निरीक्षण करते हुए मतदान केंद्र पर संचालित मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया है। बुलंदशहर की पालिका सुभाष क्षेत्र गुलाबजी में 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और करीब 9 बजे तक अगर देखा जाए तो 11% मतदान हो चुका था। बस्ती जिले में शहर की सरकार के लिए मतदान शुरू हुआ सुबह 7 बजे। सुबह से ही लोग घरों से निकलकर मतदान के लिए पहुंच रहे थे। बस्ती जिले में 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों के लिए मतदान हो चुका है। 2.8 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हुए नजर आए हैं। जनपद में कुल 305 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां पर मतदान हो रहा था। मतदाताओं का कहना है कि हमारे लिए चुनाव में लोकल वोटर्स सबसे अहम है। हम अपने शहर की साफ सफाई, शहर और मोहल्ले की सड़क अच्छी, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था, इन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देकर आए। दूसरे चरण का आज मतदान पूरा हुआ है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। मतदान केंद्र में पुलिस बल की तैनाती थी। आपको बता दें कि 16 वार्ड के 2 बूथों पर मतदान किया गया। राजकीय आश्रम पति इंटर कॉलेज हरदौली बांदा का एक पूरा मामला। कानपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर कानपुर DM विशाख अय्यर, कानपुर कमिश्नर बी जोगंडे ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कानपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई। संवेदनशील एरिया में पुलिस को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर देखा गया, जिससे कोई अपने घटना न हो। वहीं वार्ड नंबर 75 के निर्दलीय प्रत्याशी नीलम चौरसिया ने EVM पर सवाल उठाए थे और तमाम तरह के आरोप लगाए। मशीन खराब होने का भी आरोप लगाया। वहीं जब बूथ केंद्र के कर्मचारी से बात हुई तो वो भी अपनी सफाई देते हुए नजर आए। वहीं हरदोई के लोनार कोतवाली इलाके के बरवन गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका खून से लथपथ शव खेत में पड़ा मिला। क्योंकि सूचना मिलने पर इसकी मौके पर पहुंचे पुलिस दुश्मनी और सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। फिलहाल अब तक हत्या के कारणों का और किसने की है इसको लेकर पुलिस के पास कोई दलील नहीं मिली है। उसने बताया कि तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मऊ नगर पालिका चुनाव में 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी वोटर पकड़े गए थे और एक प्रत्याशी भी बूथ में पकड़ा गया था, जिसको पुलिस कोतवाली लेकर आई थी। इटावा में पिलखुआ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। स्कॉर्पियो कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने
घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो स्क्रैप की दुकान में जा घुसी है। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, 1 व्यक्ति के रास्ते में भी मौत हुई है, 2 लोगों की हालत गंभीर। रामनगरी अयोध्या में दूसरे दिन अंतिम चरण के निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक हुआ, जिसमें वोटर सुबह से ही भारी उत्साह के साथ पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आए थे। युवा मतदाताओं के साथ साथ बुजुर्ग मतदाता भी इस भीषण गर्मी के बावजूद मतदान करने के लिए पहुंचे थे। जिले में मतदान 8 नगरीय निकाय के लिए हो रहे थे, जनपद में 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका, 6 नगर पंचायत के लिए मतदान हुआ। 159 वार्ड के लिए 159 मतदान केंद्र, 466 मतदेय स्थलों पर मतदान किया गया। जनपद में बनाए गए 19 जोनल मजिस्ट्रेट, 49 सेक्टर मजिस्ट्रेट, नगर निगम में ईवीएम, नगर पालिका और नगर पंचायत में पोस्टल बैलेट से मतदान हुआ। अयोध्या नगर निगम में 7 वार्ड, नगर पालिका दौली में 25 वार्ड, नगर पंचायत गोसाईगंज में 12 वार्ड। फरुखाबाद में बुजुर्ग महिला को वोट डालते समय अटैक पड़ गया, महिला के अटैक पड़ने से मौत हो गई। अटैक पड़ते ही परिजन सीएससी लेकर पहुंचे। सीएससी के डॉक्टर ने 75 वर्षीय वृद्ध महिला को मृत घोषित कर दिया। कायमगंज के बूथ नंबर 33 का पूरा मामला है, जहां पर महिला वोट डालने गई थी। महिला की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका परिषद कायमगंज के बूथ संख्या 33 का पूरा मामला है। नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटरों को अपने पक्ष में वोट डलवाने को लेकर अपनाए जा रहे तरह तरह के हथकंडे वोटों को लुभाने के लिए पैसे ही बांटे जा रहे थे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों को वोट की पैसा बांटते हुए देखा है। पकड़े गए युवक के पास आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त किए गए, तो शहर पहुंचे पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। नौगावा पकड़िया थाना क्षेत्र का पूरा मामला। औरैया नगर पालिका परिषद चुनाव में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मतदान स्थल पर देखी गई थी। युवा बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति भी वोट डालने के लाइन में नजर आ रहे हैं। खबर झांसी से, जहां पर बड़गावा थाना क्षेत्र में टकोरी गांव में चली आ रही पुरानी रंजिश के चलते शादी से लौट रहे वृद्ध की गोली मारकर हत्या से सनसनी कर गई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश में तफ्तीश शुरू कर दी। जबकि बुलंदशहर के नगर पालिका उलाके क्षेत्र में निकाय चुनाव 2023 को लेकर मतदान करने बुजुर्ग आ रहे थे, बीमार चोटी ला रहे थे, लेकिन बीच में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और कोई भी सुविधा न देखकर प्रशासन पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण में अब तक देखा जाए तो अच्छा खासा वोटिंग परसेंट देखने के लिए मिला। वहीं बीजेपी सांसद सतीश गौतम और निधि फातिमा स्कूल के पोलिंग बूथ पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने जनता से अपील की थी और बताया था कि पूर्ण रूप से बीजेपी की टिप्पण की सरकार बन रही है। आपको बता दें कि सभी क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें, किसी तरह के बहकावे में न आए। नगर निकाय के दूसरे चरण के चुनाव में कानपुर के काकादेव आरएसपुरम के प्रभात पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र में एक एजेंट पकड़ा गया, जहां पर महिला उर्मिला सिंह वोटर से भाजपा पर वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहा था। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे ही वो केंद्र में पहुंचे तो एजेंट उसके पास आया, भाजपा में वोट डालने को प्रेरित करता रहा, जिसका उन्होंने विरोध किया। पुलिस की पूछताछ में एजेंट अपना नाम नितिन बताया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में 11 बजे तक अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत देखने के लिए मिला है। अति संवेदनशील इलाके के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी लोग मतदान के लिए पहुंचे थे। ग्लोरियस फॉर स्कूल में भी पोलिंग बूथ और महिलाएं और पुरुष भारी मात्रा में पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी और पीएसी भी तैनात किया गया। बागपत में राज्य मंत्री केपी मलिक ने मतदान किया। दूसरे चरण के आखिरी दिन बड़ौद पहुंचकर केपी मलिक ने अपने परिवार के साथ मतदान किया था। केपी मलिक ने कहा, लोगों से अपील की कि राष्ट्रहित के लिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट दें और मोदी योगी के हाथ मजबूत करने और ट्रिपल मोदी की सरकार बनाने के लिए बीजेपी के समर्थन में मतदान जरूर करें। जनपद में फर्जी वोटिंग कराने का मामला सामने आया है। महिला अपने हाथ में अपना आधार कार्ड पकड़ रही और पर्ची और वोट कोई और डाल गया। अपना वोट डालने के लिए महिला लगातार चक्कर लगा रही थी। फर्जी वोटिंग कराने का महिला ने आरोप लगाया है। नौगवा पकड़िया नगर पंचायत का पूरा मामला है, जहाँ से 40 साल पहले लोगों के लिए संसाधन नहीं रहते थे, वहीं लोग बैलगाड़ी से शादी बारात ले जाया करते थे। अब आधुनिकता के इस दौर में बैलगाड़ी से निकली बारात जो है वो लोगों का आकर्षण बन गई है। जब दूल्हा बैलगाड़ियों से बारात लेकर पहुंचा दुल्हन के घर, तो लोग आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल रुस्तमपुर गाँव निवासी अजीत बैलगाड़ी और घोड़ों से रुस्तमपुर से होकर बारात निकाली तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। छतों पर दरवाजों पर लोग खड़े हुए और उत्साहपूर्वक उसे देखने लगे। पोलिंग के सामने किराना गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में आग लगी है, जिससे अफरा-तफरी मच गई। आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने की कोशिश में अग्निशमन जुटा हुआ था। पुलिस बल के साथ मौके पर सीओ एसडीएम किराना व्यापारी भी पहुंचे। अगरतला डेयरी क्षेत्र में सुबह बड़ा हादसा हो गया। स्कूल बस के इंतजार में खड़े किनारे सड़क किनारे जो छात्र खड़े थे उनको रौंद दिया। इनमें से 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने फतेहाबाद अग्रोड को जाम कर दिया। हादसा सुबह 7:30 बजे हुआ। डोकी के गांव बास महापत में छात्र सड़क किनारे खड़े होकर स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे, तभी फतेहाबाद रोड की ओर से आ रही तेज रफ्तार ने 6 छात्रों को रौंद दिया। कुछ छात्रों ने सड़क किनारे भागकर जान बचाई। झांसी उत्तर प्रदेश लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन पर पार्किंग और सवारियों को लेकर आए दिन मारपीट होती रहती है। बता दें कि लगातार होने वाली मारपीट से आरपीएफ और जीआरपीएफ सर्वे के घेरे में है, क्योंकि यहां पर आए दिन मारपीट होती रहती है। उसके बावजूद भी जीआरपीएफ और आरपीएफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहा है।
अरवली जिले में 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन समापन हुआ है। जिले के विभिन्न विद्यालयों में 10 दिवसीय संपर्क कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह में बुटाला सर्वोदय उच्च विद्यालय मडौसा, अरवली जिला खेल विकास अधिकारी मधर और अरवली जिला टेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष जूल पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। एम्स ऋषिकेश में फिर से नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने परिवारों के साथ राजधानी देहरादून का कूच करने की कोशिश की। पुलिस ने देहरादून रोड पर जंगलात बैरियर के पास सिक्योरिटी गार्ड्स को रोक दिया, जिससे नाराज होकर सिक्योरिटी गार्ड से जमकर हंगामा किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने आरोप लगाया कि वो वरिष्ठ राज्य अधिकारी सुशीला बरौनी को श्रद्धांजलि देने के लिए देहरादून जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस संशय की वजह से देहरादून नहीं जाने दे रही, तो उस प्रति आवाज का गिराव करेंगे। बीजेपी द केरला स्टोरी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में युवाओं को फिल्म दिखाने का लगातार आह्वान कर रही है। बातों के बीच बीजेपी द केरला स्टोरी फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है, इससे फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया है, जिसके बाद बीजेपी इस फिल्म के माध्यम से विपक्ष को घेरने का काम भी कर रही है। पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता फिल्म को देख रहे हैं और लोग फिल्म देखने के लिए जागरूक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में भी पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चा के साथ भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिल्म को देखा। आईआईटी की पढ़ाई कर रहा हरदोई के मल्लावा का निवासी छात्र अमन अहमद मणिपुर के इम्फाल में कल जाति हिंसा में फंस गया है। इस बात का पता चलते ही उसके घर वालों में बेचैनी हो गई। हर कोई इसकी सलामती की दुआ मांगने लगा, लेकिन आपको बता दें कि सलामत लौटने के हर कोई सरकार का सराहना कर रहा है। गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालते हुए नजर आए। अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार। राज्य मंत्री ने कहा कि डबल इंजन में तीसरा इंजन जुड़ने जा रहा है। जनता ने भरपूर तरह से वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। दातागंज में निर्दलीय प्रत्याशी अवनीश यादव ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया है। दातागंज में वार्ड नंबर 1 और 5 में आधार कार्ड फर्जी अर्टिंग कर फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया। निर्दलीय प्रत्याशी अवनीश यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मतदान करने का ही आरोप लगाया। और इस जिले की 7 इकाइयों में से 207 मतदेय स्थलों पर मतदान जारी रहा। 1,80,000 मतदाता 606 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हुए नजर आए। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद श्रीवास्तव ने बताया कि सभी केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है, कहीं पर अभी भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टाउन हॉल सदर तहसील मतदान केंद्र, भारतीय पाठशाला मतदान केंद्र, NAKP मतदान केंद्र, क्रिश्चियन कॉलेज मतदान केंद्र, बहादुरगंज मतदान केंद्र, बद्री विशाल मतदान केंद्र सहित दर्जनों मतदान केंद्रों पर बिना फोटो के आईडी लिए खड़े एजेंट टाउन हॉल से मतदान केंद्र पर दो पार्टियों के मतदान अभ्यर्थ आपस में भिड़ गए। अमेठी विधायक द्वारा बीजेपी नेता की पिटाई का मामला सामने आया है। चुनाव खत्म होते अमेठी में शुरू हो सकती है दोषियों पर प्रस्तावित कार्रवाई। कोतवाली में मारपीट की घटना पर एसपी जोन पीयूष मोड़िया का बड़ा बयान सामने आया। घटना में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई गिर सकती है। किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने का हक नहीं है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को चुन चुन कर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हरदोई की सवाजपुर कोतवाली क्षेत्र के मरहीपुर गांव के पास बाइक रिक्शा और वैगनार कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बीजेपी के बस्ते पर बैनर पोस्टर फाड़ने पर गुस्साई कार्यकर्ता, सूचना पर पहुंची बीजेपी की सर्व विधायिका गुड़िया कठोरिया के सामने बहस हो गई। बैनर फाड़ने वाला अपने आप को जोनल 2 का ड्राइवर बता रहा था। हाईस्कूल इंटर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को MLC डॉक्टर चंपा सिंह ने सम्मानित किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राम लक्षण स्थित CS मेमोरियल स्कूल के छात्र छात्राओं ने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त कर जिले से लेकर प्रदेश तक नाम रोशन किया है, जिसमें हम क्षेत्रवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रतनपाल सिंह ने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। तो वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य गोकुल सिंह ने कहा कि 10वीं और 12वीं में हमारे विद्यालय के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें जिले से लेकर प्रदेश तक हमारे विद्यालय का नाम रोशन हुआ है। बांदा में नई नवेली दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची। विधायक पहले दुल्हन ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, पति और मां के साथ वोट देने पहुंची थी। नई नवेली दुल्हन इंद्रानगर के संत तुलसी वक्फ स्कूल का मामला है। मतदान के प्रति जिम्मेदारी की अनूठी मिसाल पेश करती हुई नजर आई। वाहनचोर गैंग के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है पुलिस ने। पुलिस लगातार वाहन चोरों के खिलाफ एक्शन मोड में है। 15 दिन पहले आगरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया था। इस गैंग के मास्टरमाइंड को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसी गैंग के 100 सदस्यों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे। चंपावत के गोराल गोड मैदान के निकट और चोरियों में आयोजित जनसंपर्क फाउंडेशन द्वारा स्मार्ट स्कूल बनाओ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर संपर्क फाउंडेशन के अध्यक्ष और स्थानीय अधिकारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। संपर्क फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनपदों को 137 स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा सीमांत से, जहां पर इन दिनों निजी विद्यालय द्वारा मनमाने तरीके से विद्यालयों में किताबें मंगाई जा रही हैं। सरकार द्वारा सभी विद्यालयों को आदेशित किया गया है कि सभी विद्यालयों में NCERT की किताबें चलाई जाएंगी और NCERT की किताबें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों से बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन उसके बाद भी निजी विद्यालय द्वारा अपनी कमीशन पूरी को बढ़ाने के लिए NCERT की किताबें ना चलवाकर स्कूल में अन्य सिलेबस की किताबें चलाई जा रही हैं, जिससे परेशान होकर अभिभावकों ने लगातार खतीमा में मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश की बदायूं
दिव्यांग मुहसिन लगभग 250 मीटर की दूरी तय कर सड़क चढ़कर मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंचा, जहां उन्होंने मतदान किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिव्यांग मतदाता को व्हील चेयर के लिए किसने सहारा तक देना मुनासिब नहीं समझा। बताया कि दातागंज क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति को गोली लग गई। अनंतपाल में घायल युवक को सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां युवक ने गांव के ही युवक पर गोली मारने का आरोप लगाया है। हादसे में आगरा जोन के डीजी राजीव कृष्ण ने हाथरस में चल रहे मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हथियार और हाथरस के कई बूथों पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण के चुनाव हैं। आगरा जोन में 4 जनपदों में चुनाव चल रहा है। आप बता दें कि हाथरस, एटा, कासगंज, अलीगढ़ सभी जगह शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सम्पन्न हुआ। हाथरस की बेटी ने अमेरिका से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर अपील की है। हाथरस के सहपो के रहने वाले राहुल अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। राहुल की 6 साल की बेटी ने जब हाथरस में हो रहे चुनाव में कम मतदान की चर्चा अपने माता पिता से सुन हैरान हो गए कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मतदाता दूर कैसे रह सकते हैं। अमेरिका में तो 100% मतदान अनिवार्य माना जाता है, तो भारत में क्यों नहीं। इसे लेकर 6 साल की मासूम पिहुल ने अपने नाना योग पंडित के सहयोग से मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। और फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते